हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मसूर की दाल। जो गांव में बनती थी उस तरीके से आज मैं बनाऊंगी, और बहुत इजी तरीका है बनाने का। तो देखिए किस तरह बनाते हैं। ये मैंने ली है एक कटोरी दाल, ये मैं इसमें डाल लूँगी। और एक मुट्ठी ये मैंने ली है उड़द दाल, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको हम मिक्स करके बनाएंगे। बस अब हम इसको धुल लेंगे। दाल धुल ली है, चलिए अब बनाते हैं इसको। बहुत सिंपल और इजी तरीके से बताऊंगी बिना झंझट के। देखिए कुकर लिया है, कुकर में मैंने थोड़ा सा ही तेल लिया है, ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे। आधी चम्मच डालेंगे जीरा, साथ के साथ ही हम इसमें तड़का भी लगा लेंगे। और ये मैंने लहसुन प्याज हरी मिर्ची अदरक थोड़ा सा क्रश कर लिया है, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है, ये भी डाल देंगे। बस इस तरह का देखिए भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे एक टमाटर कटा हुआ, अब ये धुली हुई दाल भी इसमें डाल देंगे। और जिस कटोरी से हमने दाल ली थी उसी के चार कटोरी डालेंगे पानी। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, थोड़ी सी डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर आधी चम्मच, हल्दी पाउडर थोड़ा सा, गरम मसाला थोड़ा सा, धनिया पाउडर और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग आधी चम्मच डाल रही हूँ मैं। और इसमें थोड़ा सा डालेंगे घी एक चम्मच। बस कुकर कर देंगे बंद और एक सीटी लगने देंगे। बस एक सीटी आने तक वेट करेंगे। सीटी आ चुकी, गैस बंद कर देते हैं और इसको 5 मिनट ऐसे ही रखने देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे। फिर चेक कर लेते हैं दाल कैसी बन गई। देखिए एकदम बढ़िया दाल बनके तैयार हुई है। और 5 मिनट में बनने वाली दाल है ये, झटपट बन जाती है। ऊपर से इसमें आप थोड़ा सा धनिया और गरम मसाला डालिए और खाइए, इसमें बिल्कुल गांव जैसी दाल का टेस्ट आएगा। ये देखिए दाल तैयार है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब।